हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। तो दोस्तों, आज हम सीआर के सीरीज में एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं और ये है हमारा वीडियो नंबर 18। तो एक के बाद एक आज हमारा 18वां वीडियो है और इसमें हम यम के अपने अगले पार्ट 4 पर आ चुके हैं। यम के पार्ट 4 के बारे में पढ़ेंगे और ये है सब पार्ट जी कैमो कंटिन्यूइंग एयर प्रेजेंस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो एविएशन जगत का। कैमो कंटिन्यूइंग एयर प्रेजेंस मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन का इशू जो होता है वो CA फॉर्म 2 के अकॉर्डिंग होता है और वहीं पर जो इसका अप्रूवल होना होता है ये जो है CA फॉर्म 14 के अकॉर्डिंग होता है। कैमो के अंतर्गत जो है कैमी होता है कंटिन्यूइंग एयर प्रेजेंस मेंटेनेंस एक्सपोजिशन, जिसमें लिखा जाता है कि वर्क किस प्रकार से हो रहा है, वर्क डन कैसा हो रहा है, ये सारी चीजें कैमी में लिखी जाती हैं। और एक जो ऑपरेटर होता है वो EDP इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के अनुसार जो है कैमी को अपडेट करता रहता है। कैमी का अप्रूवल जो है DGCA के द्वारा मिलता है। कैमो के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं? तो जरूरी सबके लिए मैंने पहले बताया कि अकाउंटेबल मैनेजर का होना सभी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अकाउंटेबल मैनेजर जो है ऑपरेटर को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने में हेल्प करता है और इसको देखता है कि ऑपरेटर के काम करने में कौन कौन सा फाइनेंशियल वर्क चाहिए, क्या क्या फाइनेंशियल, कितना पैसा चाहिए उसको, फाइनेंशियल कमी तो कहीं नहीं आ रही है उसके काम में, उसके सुपरविजन में। तो ये सारी कमियां एक अकाउंटेबल मैनेजर ही दूर कर सकता है। इसके साथ साथ एक अकाउंटेबल मैनेजर जो है एक क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को भी अपॉइंट करता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो कि सुपरविजन करे मेंटेनेंस का और काम का, ऑर्गेनाइजेशन का कि सभी चीजों का, वो एक प्रकार से सुपरविजन करता है क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर। और जो क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को अकाउंटेबल मैनेजर अपॉइंट कर रहा है, नहीं कि अपने मन से ही कर दिया, उसको DGCA को बताना ही पड़ता है। DGCA के संज्ञान में होना चाहिए कि हाँ ये अकाउंटेबल मैनेजर है, जिसने इस क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर को अपॉइंट किया है सुपरविजन करने के लिए। और उस क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर के पास जो है CR 145 के ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस भी रहना चाहिए। तो दोस्तों, हम बात करते हैं एयर प्रेजेंस रिव्यू स्टाफ के बारे में, ARS के बारे में क्या होता है। अगर आपको एयर प्रेजेंस रिव्यू स्टाफ बनना है तो आपके पास B1 या B2 या C कैटेगरी का लाइसेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तभी आप बन सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हो कि कोई रिव्यू स्टाफ है उसके साथ साथ हो, क्योंकि सर्टिफाइंग स्टाफ का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफाइंग स्टाफ के लिए पहले एमई होना जरूरी होता है, तो उस प्रकार से एयर प्रेजेंस रिव्यू स्टाफ भी पहले एमई होता है। लेकिन एक एयर प्रेजेंस रिव्यू स्टाफ जो है सर्टिफाइंग का काम नहीं कर सकता है। अब हम बात करते हैं वो एयरक्राफ्ट जिनका वेट 2730 किलोग्राम से ज्यादा जिनका टेक ऑफ वेट होता है कमर्शियल एयरक्राफ्ट के अंतर्गत जो आते हैं। और इसके अंतर्गत मैं बैलून्स को नहीं जोड़ा जा रहा, मतलब बैलून्स को नहीं जोड़ रहा हूँ, जो भी कमर्शियल एयरक्राफ्ट हो गया उसका वेट 2730 से अगर ज्यादा है तो उसके लिए कौन उसमें स्टाफ की तरह काम कर सकता है। तो कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, एमई या फिर एरोनॉटिकल की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप उसमें स्टाफ की तरह वर्क कर सकते हैं। वहीं पर अगर 2730 2730 किलोग्राम से नीचे है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट और उसके साथ उसमें बैलून्स भी आ रहे हैं, तो फिर जो है वहां पर 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। एमई या फिर एरोनॉटिकल डिप्लोमा आपके पास जरूर होना चाहिए, एमई डिग्री होनी चाहिए आपके पास। और अगर मान लीजिए आप एक एमई ना हो तो उस कंडीशन में जो है आपके पास 4 साल का फील्ड एक्सपीरियंस होना ही चाहिए, कम से कम जो है 4 ईयर फील्ड एक्सपीरियंस ऐसे कंडीशन में आपके पास रहनी चाहिए। जो भी ARS होते हैं एयर प्रेजेंस रिव्यू स्टाफ, इनका जो नॉमिनेशन होता है कैमो के अनुसार किया जाता है, कैमो इनका नॉमिनेशन करता है किसको बनना है। अभी CA फॉर्म 4 के अकॉर्डिंग होता है और DGCA से के अंदर DGCA के सुपरविजन में होना चाहिए सब काम। अगर आपको अपना ARS हैं तो आपको फिर से एक्सटेंड करवाना है अपनी वैलिडिटी कुछ टाइम के बाद, तो उस कंडीशन में जो है आपका लास्ट के 2 साल के अंदर 6 महीने में आप मेंटेनेंस में कम से कम इन्वॉल्व हो, वहीं पर लास्ट के 1 साल में कम से कम एक बार रिव्यू आप किए हों, तभी बन सकते हैं सर्टिफिकेट को, ARC को। अगर आपको इशू करवाने के लिए, री इशू करवाने के लिए सारी रिक्वायरमेंट आपके पास नहीं है तो आप DGCA पास आपको जाना होगा, फिर DGCA डिसाइड करेगा कि देना है कि आपको फिर से नहीं। अगर आप रिव्यू स्टाफ हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के और आप उस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैमो आपका जो भी डेटा है, रिकॉर्ड है, 2 साल तक रखता है। बात करते हैं कंटिन्यूइंग एयरवर्थनेस मैनेजमेंट के बारे में।
जो भी कॉमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए उनमें जो है मेंटेनेंस प्रोग्राम के तहत काम किया जाता है, वहीं पर जो नॉन कॉमर्शियल है उनमें जो है रिलायबिलिटी प्रोग्राम के तहत काम किया जाता है। जो भी मेंटेनेंस प्रोग्राम होते हैं वो जो है नॉन कॉमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट में ओनर को दिया जाता है कि क्या मेंटेनेंस प्रोग्राम है इनका, ये सारी चीज़ें ओनर को दी जाती हैं। अगर कोई कॉमर्शियल एयर ट्रांसपोर्ट है उसमें जो ऑपरेटर है उसके पास अप्रूवल नहीं है CR-145 के अंतर्गत, तो उसके पास एक रिटेन कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से। जो CR-145 के कॉन्ट्रैक्टर होते हैं ये सारे के सारे जो कैमी जो होती है कंटिन्यू एवरनेस मैनेजमेंट एक्सप्लेनेशन इसमें लिखे हुए होते हैं, और वहीं पर अगर वन टाइम मेंटेनेंस आपको करवाना है तो आपको किसी प्रकार की कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये सब चीज़ें थी जो कि बेसिक थी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, तो ये सारा था सब पार्ट इसमें। हम अपने मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको सही लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।